स्टॉइनिस, ग्रीन और उसके साथ साथ लियाम लिविंगस्टन, किसको आज कैप्टन बनाना होगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। ट्रेविस हेड, जेक फ्रेजर मैकगर्ग और मैट शॉर्ट पिछले मैच में कुछ ऐसी पारी खेल के गए जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रैंड लीग में तो मैट शॉर्ट को कप्तान बनाना ही बनाना है, जाके आप वीडियो देख सकते हो। इंग्लैंड जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, पहले दो मैच की दोनों वीडियो मेरी उठा के देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था पहले मैच में डिफेंड होगा, ऑस्ट्रेलिया जीती डिफेंड करके। दूसरे मैच में मैंने आपको बताया चेज होगा, इंग्लैंड जीती चेज करके। अब तीसरे मैच में क्या होगा, जरा वो हम वेन्यू के पैटर्न पे डिसाइड करेंगे कि कौन ये मैच जीतने वाला है। और आज होगा तीसरा T20, मतलब तीसरा मुकाबला जो डिसाइड करेगा कि ये सीरीज कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है। एक तरफ सॉल्ट की इंग्लैंड, जिन्होंने पिछले मैच में 190 से ऊपर का टारगेट बहुत आसानी से बाद में आते आते चेस कर दिया लियाम लिविंगस्टन की मदद से। और दूसरी तरफ रहने वाले हैं ट्रेविस हेड की टीम। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि मिचेल मार्श ड्रॉप हो गए थे पिछले मैच में। इस मैच में खेलेंगे या नहीं वो थोड़ा देखने वाली बात होगी। अच्छा, अभी तक आपने सारे मुकाबले 11 बजे देखे, ये वाला मुकाबला आज शाम को 7 बजे खेला जाएगा। ध्यान से सुनिए, 7 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो कौन सा चैनल होगा आपके साथ? फैंटेसी काउंसिल। चलो चलो, एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड मैनचेस्टर का ये मैदान है, बहुत ही बेहतरीन मैदान, और आप कह सकते हैं एक तरीके से फिलिप सॉल्ट के लिए ये मैदान एक होम ग्राउंड भी रहने वाला है। तो आज के मैच में स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन सब आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखनी है वीडियो, लेकिन जो भी लोग आज पहली बार आए हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को, प्यारे से चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। लाइक और कमेंट जितने ज़्यादा करते हो उतना अच्छा लगता है। और उसके अलावा CPL चल रहा है, CPL में आप देख ही रहे होंगे कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ जा रही है। फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो, अगर आपको चाहिए कौन ये मैच जीतेगा, कब हमें एंट्री लेनी चाहिए ट्रेडिंग में, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। फैंटेसी काउंसिल का टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। स्मॉल लीग टीम फ्री, एकदम मुफ्त, पर्सनल गाइडेंस एकदम फ्री, सब कुछ हमारे यहाँ आपको मुफ्त में मिलेगा। लेकिन ज्वाइन कैसे करना है ये चैनल, देखो फैंटेसी काउंसिल का जो चैनल है ना वो अपने आप में एक बड़ा नाम है, और 5 लाख से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ डेली जीत रहे हैं, डेली कमा रहे हैं। अब इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रखा है। उस लिंक पर टैप करके जब आप पहुंचेंगे हमारे चैनल पे तो उस पे ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना, फिर देखिए कि आपकी कमाई कितनी ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, तो सारे ज्वाइन जरूर कर लेना, आगे की तरफ चलते हैं। और आपके लाइक और कमेंट्स की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है जब मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए एक मेगा फ्री गिव अवे, जिसमें पहले 10 लकी विनर्स जो वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं, टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, वो 300 रुपए का पेटीएम कैश लेके चले जाते हैं। विनर हमारे टेलीग्राम पे अनाउंस किए जाते हैं, और जो होते हैं 10 बेस्ट कमेंट्स उनको मिलता है 1000 रुपए का पेटीएम कैश। तो आपके पास अच्छे खासे 1300 रुपए जीतने का मौका है मैच से पहले, लेकिन उन लोगों को वीडियो पूरा देखना होता है, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर किया होना चाहिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे हम पैसा पहुंचाते हैं। चलो अब थोड़ा ग्राउंड पे फोकस करते हैं कि इस ग्राउंड पे क्या होता है, कैसे होता है। मेरा पेन किधर चला गया, हर बार निकालना पड़ेगा क्या? अब 1 सेकेंड बॉयज, इतने आप पढ़ो, मैं जरा अपना पेन लेके आता हूँ। हाँ जी, ये रहा। तो चलो इस ग्राउंड को देखते हैं, मैनचेस्टर का एक बहुत ही अच्छा मैदान है। और मैं फिर से आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखो मैनचेस्टर का जो मैदान है इसकी डायमेंशंस बड़ी है, ये मैदान थोड़ा बड़ा मैदान है, स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़े छोटे हैं, सामने सारे 72 मीटर से ज़्यादा है, मतलब 80-80 मीटर की बाउंड्रीज भी है। वो आपने पिछले दो मैचेस में भी देखा होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान होते हैं वो जनरली बड़े रहते हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरे मैदानों से। यहाँ पे एवरेज स्कोर रहता है 160 से 170, जो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे बना है वो बना है 231 रन 4 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट टोटल यहाँ बना है 53 रन 10 विकेट के नुकसान पे। अब हम आते हैं पैटर्न पे, टोटल मैचेस यहाँ खेले गए हैं 73, डिफेंड हुए हैं 39 टाइम्स, चेज हुए हैं 31। तो यहाँ पे आज मैं बोलूँगा टॉस एडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो आज जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसको मदद मिलेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया पिछले मैच में बड़ी खराब बॉलिंग लाइनअप के साथ खेली थी,
अब जब गंदा बॉलिंग लाइनअप होगा तो जाहिर सी बात है आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। जॉश हेजलवुड आपके पास नहीं थे, आप कनोली लेके आए हैं, आपके पास सिर्फ दो रेगुलर बॉलर्स थे, शॉन एबर्ट और एडम जैम्पा, बाकी सारे के सारे बॉलर्स, एरन हार्डी, ग्रीन, स्टॉइनिस, कनोली, ये सब के सब कौन है? पार्ट टाइमर्स, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा। देखो यहाँ पे 150 से नीचे 21 बार बनाए, 150 और 170 के बीच में यहाँ पे 21 बार बना है, 170, 190 17 बार और 190 से ऊपर 14 बार, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ विकेट अच्छा है, बैटिंग वाला है, 180 बोर्ड पे लगा देने चाहिए जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आगे की तरफ चलते हैं और हम आ जाते हैं थोड़े प्रीवियस मैचेस पे। यहाँ पे पिछले तीन मैचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे इस मैच में क्या होगा। देखिए मैनचेस्टर यहाँ पे बनाती है 152 रन 7 विकेट के नुकसान पे 100 बॉल में, ये 100 बॉल कंपटीशन है, आप सब जानते होंगे यहाँ पे 100 बॉल ही फेंकी जाती है। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाती है 156 रन 3 विकेट के नुकसान पे, चेस कर देती है 100 बॉलों में, क्या एस्टेब्लिश हुआ? प्रॉपर बैटिंग विकेट। आप देखिए 4 विकेट पेसर्स लेके जाते हैं और 5 विकेट लेके जाते हैं यहाँ पे स्पिनर्स। 6 अगस्त को ओवल इनविंसिबल बनाती है 164 रन 100 गेंदों में 8 विकेट के नुकसान पे। मैनचेस्टर ओरिजिनल 161 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आप मजे की बात ये देखिए कि यहाँ पे 15 विकेट गिरते हैं जिसमें से 5 लेके जाते हैं पेसर्स और 8 लेके जाते हैं स्पिनर्स, एक आधा रन आउट भी होता है। फिर से यहाँ पे ट्रेंट रॉकेट्स बनाती है 145 रन, ये वो वाला मैच है जिसमें आपको 1000 रुपये के 1,00,000 रुपये मिल रहे थे ट्रेडिंग में, अगर आपने देखा होता तो मज़ा आ जाता। और मैनचेस्टर ओरिजिनल 144 रन बनाती है 8 विकेट के नुकसान पे, फिर से 15 विकेट गिर रहे हैं, 15 विकेट तो ट्रेंड सा हो गया, मतलब 10 विकेट तो गिर ही रहे हैं एटलीस्ट दोनों इनिंग्स मिला के, तो बॉलर का बोलबाला रहेगा ही रहेगा। पेसर्स लेके जाते हैं 4, स्पिनर लेके जाते हैं 9। अब स्पिनर यहाँ पे ज़्यादा विकेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, जब आप स्पिनर को मारने के लिए देखते हैं तो अमूमन तौर पे स्पिनर ज़्यादा विकेट निकाल के ले जाते हैं क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, वो छक्के नहीं होते, वो तब्दील हो जाते हैं कैचेस में। पिछले 3 मैचेस की अगर यहाँ पे आप ड्रीम टीम देखेंगे तो ज़्यादातर पाएंगे कि बॉलर ही आपको टीम में ज़्यादा मिले। चलो पहले इस वाले से स्टार्ट करता हूँ। देखो निकोलस पूरन इस मैच में कप्तान थे 248 पॉइंट्स के साथ, 2 कीपर आए टीम में, सॉल्ट पूरन। अच्छा सॉल्ट आपको यहाँ हर जगह क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन्हीं का ये होम ग्राउंड है जैसा मैंने आपको बताया था। 3 बैट्समैन निकलते हैं, ब्रूक, जेमी ओवरटन, एडम होस, एक ही ऑलराउंडर मिचेल सैंडर और वो ही वाइस कैप्टन थे। अब बॉलर देखिए कितने हैं, पॉट्स, उसामा मीर, करी, फरूखी, ब्राउन, 5 बॉलर निकल के आते हैं ड्रीम टीम में। अब ये वाला मैच उठाते हैं, देखो यहाँ पे टोटल 5 बैट्समैन थे, मैं कीपर्स को भी बैट्समैन में ही काउंट कर लेता हूँ तो इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे आते हैं 3 कीपर, 1 बैट्समैन, मतलब 4, एक बैट्समैन लेना मैंडेटरी है जिस वजह से मेडिसन को भी टीम में रखना पड़ा था। ऑलराउंडर में आते हैं सैम करन, जैक्स और दोनों निकलते हैं CVC, मतलब बॉलिंग एडवांटेज। फिर आते हैं सिकंदर रजा और वॉल्टर, दोनों बड़े ऑलराउंडर्स हैं। बॉलिंग में उसामा मीर, करी, जैम्पा, स्पिनर, 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 आप देखिए स्पिनर कितने ज़्यादा आ रहे हैं। आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पे स्पिनर ही कप्तान निकल के आता है और स्पिनर ही उपकप्तान निकल के आता है, राशिद खान और सिकंदर रजा। कुक भी आते हैं बॉलिंग में, ऑलराउंडर में आप देखिए इमाद वसीम, स्पिनर हार्टले, वॉल्टर, थॉमसन, पावेल, होल्डन, मैडसन, बेंटन। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि बैट्समैन का ज़्यादा बोलबाला नहीं है जितना ज़्यादा बॉलर्स का है, लेकिन स्कोर भी बड़े बन रहे हैं तो विकेट कौन लेके जा रहे हैं? स्पिनर्स। फास्टर्स का इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है जितना इस मैच में स्पिनर्स का इम्पैक्ट रहने वाला है। इंग्लैंड का लाइनअप ऐसे चलाता हूँ जहाँ आपको ज़्यादा समझ आए, 2 मैच खेले, 1 हारे 1 जीते, ये वाला हारे ये वाला जीते। सॉल्ट 20 रन 39 रन, विल जैक्स 6 रन 12 रन, जॉर्डन कॉक्स 17 रन 0 रन, लियाम लिविंगस्टन 37 रन 3 विकेट, 87 रन 2 विकेट, बैटल 2 रन 0 विकेट 44 रन। देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था लिविंगस्टन या स्टॉइनिस कोई एक जरूर छोड़ना क्योंकि दोनों का परसेंटेज बहुत हाई है। सैम करन 18 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट, जेमी ओवरटन 15 4, बाइडन कास 0 रन लेकिन पिछले मैच में आते ही 2 विकेट लेके दीवाना बना दिया लॉन्डे ने, आदिल रशीद 7 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट। आर राशिद का रोल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राशिद लिविंगस्टन दोनों का ही रोल बड़ा है स्पिन की वजह से। साकिब महमूद 12 रन 2 विकेट, इधर 0 विकेट, रीस टोपले 1 रन 0 विकेट 0 विकेट, तो हो सकता है टोपले को आज बाहर करके जोफ्रा आर्चर अगर सही हो जाते हैं तो ये वाला मैच खेले। हेड टू हेड की अब हमें जरूरत नहीं है, वो हमने सब देख ही लिया है कि कैसा चल रहा था। अब हम आते हैं इस मैदान पे, 31 की एवरेज रखते हैं सॉल्ट, 29 मैच में 810 रन और 31 की एवरेज जो कि काफ़ी अच्छी है। जैक्स भी इस मैच में 4 मैच में 2 विकेट ले जा चुके हैं,
70 रन भी हैं इस मैदान पे, तो आज जैक्स से मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है, और जैक्स के साथ साथ मुझे जॉर्डन कॉक्स से भी उम्मीद है, लेकिन इस मैदान पे ये कभी सफल नहीं रहे और हेड टू हेड में भी सफल नहीं रहे, लेकिन आज थोड़ा हटके करना पड़ेगा इंग्लैंड की टीम को। 46 मैच लियाम लिविंगस्टन के 24 विकेट 34 की एवरेज, इस मैदान को बहुत बखूबी अगर कोई जानता है तो भाई साहब जानते हैं। बैठल एक मैच खेले थे, 33 रन बनाए थे और विकेट लेस गए थे इस वाले मैच में। सैम करन को अगर आप देखते हैं, 4 मैच में 3 विकेट, लेकिन बल्ले से योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा है, 109 रन का। तो इन 6 प्लेयर में मुझे आज किससे उम्मीद है, मुझे जैक्स, कॉक्स, सैम करन, लिविंगस्टन, इन चारों से उम्मीद है। बैठल और सॉल्ट से मुझे एवरेज की उम्मीद है, ज़्यादा कोई बड़ी उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती इनसे। फिर हम आते हैं जेमी ओल्टन, जो 9 मैच में 115 रन 1 विकेट ले जा चुके हैं इस मैदान पे, लेकिन बॉलिंग नहीं दी जा रही है भाई साहब को। क्रेग ओवरटन को ज़्यादा मिलती है, जेमी को कम मिलती है। साकिब महमूद 20 मैच में 20 विकेट इस मैदान में, इन्होंने भी बड़े झंडे गाड़े हैं, आदिल रशीद का भी है वैसे तो रिकॉर्ड यहाँ, और यहाँ 6 मैच में सिर्फ 1 विकेट है कार्स भैया का, तो हम कह सकते हैं कि आज ड्रॉप करने में डर नहीं लगेगा, जैसे पिछले मैच में 2 विकेट लेके था। आदिल रशीद 20 मैच में 25 विकेट, क्योंकि स्पिनर को मदद है, और री स्टोपले 1 मैच 11 रन 1 विकेट, और हो सकता है आज ही आपको टीम में खेलते हुए भी नजर ना आए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लाइनअप में बहुत सारे चेंज करे, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों करे, लेकिन इन्होंने बार्टलेट का समझ आता है इंजरी थी, लेकिन हेजलवुड को बाहर क्यों बिठा दिया, कनोली को खिला लिया, और मिचेल मार्श को तो खैर यार फॉर्म ही नहीं लगी उस बंदे की, तो हम क्या बोल सकते हैं। पहला मैच जीते, दूसरा मैच हारे, शॉर्ट 41 रन 28 रन 5 विकेट, जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट को अपनी टीम में रखना ही रखना भाई, ये इस मैच में दीवाना बना देगा। हेड 59-31, जेक फ्रेजर मैकगर्क 50 रन, जॉश इंग्लिश दोनों मैचों में अच्छा 37-42, स्टॉइनिस 10 रन 1 विकेट 2 रन 0 विकेट मार पड़ी, टिम डेविड 0-1, पता ही नहीं इस बंदे की फॉर्म कहाँ चली गई। ग्रीन 13 रन 1 विकेट 13 रन 0 विकेट, एरॉन हार्डी 20 रन 0 विकेट, कनोली 0 विकेट, जैम्पा 2 विकेट 0 विकेट, और शॉन एबर्ट 3-2। आज हो सकता है कनोली को बाहर निकाल के एक एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाएं, क्योंकि ये एक तरीके से फाइनल है इस मैदान पे, ये लोग कभी नहीं खेले हैं, बहुत कम प्लेयर खेले हुए, जैसे देखो हेड यहाँ नहीं खेला है, मैट शॉर्ट के 2 मैच 13 रन और विकेट लेस है, लेकिन इस मैच में विकेट लेने की संभावना ज़्यादा है अगर ये 5वें रेगुलर बॉलर होते इस मैच के। JFM का हेड टू हेड अच्छा है, 50 रन है, क्योंकि एक ही मैच खेले हैं। जॉश इंग्लिश के भी हेड टू हेड अच्छे हैं, इस मैदान पे भी 53 रन है 2 मैचेस में। स्टॉइनिस 14 मैच में 8 विकेट 25 की एवरेज रखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं अगर हम कैमरून ग्रीन पे जाते हैं तो 3 मैच में 27 रन 1 विकेट। अब यहां से कौन से प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म करके जा सकते हैं, देखो मेरे को लगता है फिर से आज मैच शॉट के बल्ले से आपको बड़ा स्कोर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये आउट होते हैं ना तो आदिल रशीद एक लेग स्पिनर ही है जो इनको सबसे ज्यादा परेशान करता है। वहीं मुझे लगता है कैमरून ग्रीन से, शॉर्ट से और JFM से, इन तीन से मुझे ज्यादा उम्मीद है, और अगर मैं करूं इन तीन की बात तो इन तीन में से कोई एक बंदा आपको DT में मिलेगा, बाकी 2 हो सकता है आज आपको ड्रीम टीम में भी ना मिले। स्टॉइनिस चल सकता है आज, क्यों, क्योंकि बड़ा मैच है ना, बड़े मैचों में स्टॉइनिस मैंने हमेशा चलता हुआ देखा है, कभी ऐसा नहीं देखा कि वो फ्लॉप हुआ हो। अब मेरा पेन मैंने फिर हटा दिया, कोई नहीं चालू करते हैं। देखो टिम डेविड की फॉर्म बिल्कुल उतरी हुई है, और इस बंदे की फॉर्म पता नहीं कहाँ जा चुकी है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, इतना बढ़िया प्लेयर था लेकिन सारी फॉर्म ख़राब है। आप देखो 17 की एवरेज इस मैदान पे बहुत खेले हैं, 35 की एवरेज है। वहीं एरॉन हार्डी एक मैच में 20 रन 0 विकेट, इस मैदान पे कभी नहीं खेले, लेकिन पिछले 5 मैच देखिए आप इनके, 20 रन 0 विकेट, 11 रन 2 विकेट 1 विकेट, 19 रन 0 विकेट 40 रन 2 विकेट। फिर आते कनोली 0 विकेट, लेकिन पिछले 5 मैच में एक बड़ा यही दिखाया मुझे, 108 रन की पारी और एक 31 रन की पारी प्लस 2 विकेट। शॉन एबर्ट के हो गए 2 मैच में 5 विकेट, ड्रॉप करना बेकार है, 4 मैच में 5 विकेट इस मैदान पे है, पिछले 5 मैच में किसी भी मैच में विकेट लेस नहीं गए हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि कितनी फॉर्म में चल रहे हैं। जैम्पा भैया जी के 4 विकेट है, वही वाली बात है, स्पिनर का खेल है तो स्पिनर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देने वाले। पिछले मैच में क्या हुआ था, देखो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की आई पहले बैटिंग, बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत मिली, 28 रन 31 रन हेड और जेक फ्रेजर मैकगर्क के बल्ले से 50 रन, जॉश इंग्लिश के 42। उसके बाद इनका कोलैप्स जो होता है, स्टॉइनिस 2, टिम डेविड 1, ग्रीन 13, 20 रन, एरॉन हार्डी जो 9 बॉल में 20 रन मारे थे, उसी वजह से बहुत सारे बड़े स्कोर की तरफ ये चले गए थे, वरना एक तरफ पे लग रहा था 180-90 भी भारी हो जाता। टोपले 0, साकिब 0, 2 कार्स, 1 करन, 1 राशिद और 2 विकेट लिए थे लियाम लिविंगस्टन ने। उसके बाद ये चेस करने आते हैं, जैक्स जल्दी आउट हो जाते हैं, 39 रन सॉल्ट के, 0 पे कॉक्स। अब यहाँ से एक लगती है पार्टनरशिप 87 रन की लिविंगस्टन और 44 रन बैथल की।
फिर इनके भी एक कोलैप्स होता है, एक रन चार रन जीरो रन एक रन, बट इवेंचुअली इंग्लैंड ये मैच जीत जाती है। विकेट लेने वाले बॉलर देखो, मैट शॉट लेते हैं इस मैच में 5 विकेट और 2 विकेट मिलते हैं शॉन एबर्ट को, बाकी सब के सब विकेट लेस जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी देखने वाली है जो मैं देख रहा हूँ। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा सीखा हमने, ज्ञान बांट लिया, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं कराया सब्सक्राइब तो किस चीज़ का कर रहे हैं वेट। सब्सक्राइब करें, अपने फ़ोन को ऐसे उठाएं और सीधे सीधे पहुंच जाएं अपने ऑप्शन में, फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, यही तो फ़ायदा होता है, ऐसे कमाया जाता है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्लियर हो गई ये बात। चलो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के मैच में कौन जीतेगा, देखो मैं मान के चलता हूँ, आज आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आप समझे तो कमा लेंगे, नहीं समझे तो मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो दोबारा, जब तक नहीं समझोगे सब समझाऊंगा। देखो आज अगर ऑस्ट्रेलिया सेम टीम से खेलती है और चेज करने जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं ये मैच जीतने के। तब आप क्या करें, इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स में रन मारेगी, मान लो मारती है 170 80 180 190 तक, क्यों, क्योंकि बॉलिंग कमजोर होगी ऑस्ट्रेलिया की, तो आप इंग्लैंड प्लस करते हैं, सॉरी हाँ, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आपको फेवरेट मिलेगी ट्रेडिंग में, क्लियर बात है, आप प्लस करें इंग्लैंड को, अगर इंग्लैंड करिए पहले बैटिंग, फिर इंग्लैंड को मारने दीजिए, अच्छा स्कोर बनाने दीजिए, फिर पूरा जब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट से हटेगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड रन मार रही है तो फेवरेट से हट जाएगी, तो इंग्लैंड फेवरेट आएगी, उस टाइम करिए कैश आउट, वो कैश आउट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपका बोथ साइड प्रॉफिट होगा और अब मैच कोई जीते कोई हारे आप जीत जाएंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे, मान लो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करती है तो फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखिए, लाइनअप देखिए, जॉश हेजलवुड वगैरह खेल रहे हैं या नहीं, अगर सेम 11 से खेलती है तो फिर से चेज कराएंगे इंग्लैंड से, क्यों, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमजोर होगी। और आज मुझे लग रहा है विल जैक्स और जॉर्डन कॉक्स ये दो बंदे बल्ले से ऐसा योगदान देंगे जो इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्लियर हो गई ये बात। पावर प्ले में स्कोर बनेगा ही बनेगा, तो पावर प्ले में आज जो भी ट्रेड करेंगे उसमें आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। देखिए आज के की प्लेयर जेक फ्रेजर मैकगर 77% सिलेक्शन हो गया है, आज अगर कोई ओपनर जल्दी आउट हुआ मान लो हेड या शॉट में से तो JFM का बल्ला सर चढ़ के बोलेगा। फिर आते हैं मैट शॉट, बॉलिंग की वजह से, प्योरली बॉलिंग की वजह से, और मैट शॉट की मैंने एक अभी स्टेटमेंट सुनी थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे को अपनी जगह बनानी है क्योंकि अब डेव नहीं है, मतलब डेविड वार्नर टीम में नहीं है, तो अगर जगह बनानी है तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर अच्छा परफॉर्म करने की बारी आती है तो मैट शॉट अच्छा प्लेयर है, हमने देखा है BBL में कैसे जिताता है। शॉन एबर्ट भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, हेड टू हेड में 2 मैच में 5 विकेट हो गए, रखो टीम में। फिर हम आते हैं लियाम लिविंगस्टन, 95% है, बॉलिंग से विकेट ले जाएगा, ये मैदान इनके लिए बहुत सफल मैदान है तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए प्रबल दावेदार भी मुझे लिविंगस्टन ही नज़र आते हैं। फिर आते हैं जॉर्डन कॉक्स, परसेंटेज सिर्फ 31 है, ग्रैंड लीग में फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर में आप इन्हें ट्राई जरूर करिए, जॉर्डन कॉक्स और मार्कस स्टोइनिस। CVC पे आते हैं, देखो CVC में ये दो सबसे बेस्ट हैं, सबसे सेफ है मैट शॉट और लियाम लिविंगस्टन, क्यों, बैटिंग प्लस बॉलिंग मिलेगी और दोनों ये बैट बॉल दोनों कर सकते हैं और दोनों के लिए स्पिन है और दोनों के लिए मैदान सक्सेसफुल है, और ट्रेविस हेड तो लिखना ही पड़ता है नाम। VC में कैमरून ग्रीन को आज जरूर ट्राई कीजिएगा, खासतौर पे जब ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही होगी उस केस में बिना हेजलवुड के। जेक फ्रेजर मैकगर VC के लिए ठीक है, कैप्टन में नहीं बोलूंगा, और बहुत बड़ा अगर कोई आप रिस्क लेना चाहते हैं तो VC बनाइए विल जैक्स को, और फिर देखिए कि आपको कितना ज़्यादा फायदा मिल सकता है इस मैच में। चलो अब हम थोड़ा देख लेते हैं, 12-12 हो चुका है दोनों का हेड टू हेड, कमाल की बात, ये भी 12 जीत गए, ये भी 12 जीत गए। ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताई थी वैसे करना, आज कौन चल सकता है वो मैं बताता हूँ ग्रैंड लीग के लिए। देखो इधर से जैक्स, कॉक्स, लिविंगस्टन, करण, आदिल रशीद, साकिब, और इधर से मैट शॉट, JFM, स्टोइनिस, मुझे आज थोड़ी उम्मीद है उनसे, शॉन एबर्ट, एडम जैम्पा और एरन हार्डी अगर खेलते हैं तो एरन हार्डी भी, लेकिन देखना पड़ेगा। कनोली की जगह अगर ये लाते हैं जॉश को या फिर किसी और बॉलर को तो ऑस्ट्रेलिया एडवांटेज ले जाएगी। अभी तक जिसने नहीं कराया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए अब हम बनाते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम, कहाँ पे, माई मास्टर 11 पे, क्योंकि अगर आप माई मास्टर 11 पे नहीं खेलते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। माई मास्टर 11 एक ऐसा ऐप है, मेड इन इंडिया ऐप है सबसे पहले तो, और उससे भी बड़ी बात क्या आ जाती है कि इस पे कमीशन बहुत कम है। अब जब कमीशन कम है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम है। अब जब कंपटीशन कम है, कमीशन कम है, तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा, सिर्फ आपका। तो जाएं डाउनलोड करें माई मास्टर 11,
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन किया हुआ है, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। खेलना चालू करिए और फिर देखिए अपनी कमाई का सिलसिला कैसे बढ़ता जाता है। सॉल्ट को रखते हैं यहाँ पे, थोड़े बॉलर ज़्यादा रखेंगे, बैट्समैन में हेड को रख लेते हैं, JFM को रख लेते हैं, जैक से मुझे उम्मीद है लेकिन अभी थोड़ा मैं साइड कर रहा हूँ, स्टोइनिस, करन, लिविंगस्टन, शॉर्ट। बॉलिंग में जैम्पा, राशिद, ये दो बहुत रहेंगे और एबर्ट रखना पड़ेगा। अब हमारे पास कितने प्लेयर हो गए, 10, एक प्लेयर की जगह है, तो या तो आप ग्रीन ले सकते हैं या फिर आप विल जैक्स ले सकते हैं, वो कॉल आपका है। अगर वो खेले, क्या बोलते हैं, हेजलवुड नहीं खेलते तो ग्रीन को रख लेंगे। अच्छा, आप CVC किसको बनाया जाए, देखो CVC सबसे बेस्ट है, लिविंगस्टन, मैट शॉट, इनके अलावा CVC कोई मत जाना, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना दिया है मैंने। तो ये है हमारे CVC जो आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ चेंज होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मुफ्त में बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखो लाइक साफ लिखना पड़ रहा है ताकि आप लोग जब वीडियो देखें तो लाइक का बटन साथ की साथ दबा दें। फिर हम मिलते हैं इस मैच के टॉस के बाद, मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया हो।